औरत को लिकोरी आए हैं कपड़े बेहतरे के अपने अंडरवियर रखे, ऐसी चीज रखे ताकि उसको बदल दिया करे। वैसे याद रखें कि जिन औरतों को लिकोरिया है, बारहवें पारे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में एक आयत है, वो कुरान खोल के देख ले। वकील या अर्दुब लई मा अक व या समा अकली वगीद मा वकुदी अम्र, यहाँ तक 41 दफ़ा पढ़ के वो औरत खुद अपने हाथ पे दम करके अपने ज़ेर नाफ फेरती रहे, इंशाअल्लाह लिकोरिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम में चार अइम्मा की तकलीद ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हुज़ूर के ज़माने में भी सिर्फ 7 सहाबा थे जो फतवा देते थे, सारे तो नहीं, बाकी सारे उनकी तकलीद करते थे। मेरी बेटियों के नाम नसरा यसरा ठीक हैं, पर रोज रोज नए नाम ढूंढते रहते हैं। मैं आंखें बंद करती हूं, मेरा जिस्म हरकत नहीं करता। बहरहाल आयतुल कुर्सी पढ़ के दम किया करें, बाकी अल्लाह के हाथ में है। बहरहाल मेरा भाई, ये जाती मामलात हैं कि बीवी के नजायज ताल्लुकात हैं, शौहर ने माफ किया, फिर कसम खाई, फिर वो उसी पे आ गई। ऐसी औरत को तलाक दे दो जो इज्जत की हिफाजत न करे, ऐसी औरत को घर में करने का क्या जरूर, क्या फायदा है। मेरा शौहर मुझे खर्चा कम देता है, जायज तरीके से तुम ले सकती हो, यानी उनके कहने के बगैर भी ले सकती, लेकिन जायज। हर किस्म का नशा छोड़ने के लिए सबसे बड़ा अमल सूरत फातिहा है। औलाद नहीं है, अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमाए, जरासीम कमजोर है, इलाज भी करवाएं और अल्लाह से दुआएं भी मांगते रहेंगे। रब्बिदा तज़रनी फर्दन अंत खैरुल।